के? हाँ, लिख गया। क्या लिखा है? REC। ठीक लिखा है ना, अब ये चालू हो गया। अब हम लोगों को सब दिखाओ, दूसरा हाथ मत लगा, वहाँ पीछे देखो। नहीं, पहले आप यहाँ। फूलो गणेश भगवान की आज ये विश्व शांति श्रृंखला का ये बरगढ़िया, पूरे बरगढ़िया ग्राम के हनुमान मंदिर जिसके पुजारी हैं इस समय बाबा भागे रामचंद्र दास, कहाँ चले जा रहे? पुजारी बाबा रामचंद्र दास और आइए बोला, हमारे बीच में सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजपाल द्वारा पुरस्कृत कथावाचक श्री आचार्य नरेंद्र जी महाराज, और हमारे बीच में पर्यावरणविद, समाज सेवी, पथ सेवी महामानव श्री श्याम साधु जी महाराज, जिनका डंका पूरे रायबरेली जिले में बजता है, जिन्होंने सोनिया गांधी को भी हाथ जुड़वा लिया है, और ऐसे हैं महान नायक हमारे श्याम साधु जी जिनका जीवन सेवा में ही चला गया है। साधु जी का कहना है सेवा ही परम धर्म है, अगर सेवा नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व जीवन में नहीं है। और हमारे बीच में प्रधान जी भूतपूर्व रामकृष्ण यादव जी भूतपूर्व, और सभी हमारे बीच में अमित जी हैं, उधर जिधर जिधर हाथ कर जाए तो कैमरा चालू करते चले आओ, अमित जी हैं, मौर्य जी हैं, दीपू जी हैं, और सब जितने हमारे ग्वाल बाल हैं, ये बड़ी मेहनत से इन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया। और हमारे बीच में जो इसके प्रेरक हैं श्री शिव सिंह जी महाराज, श्री जिनकी प्रेरणा से ये कार्य है। ये तो संधि नागिन में होने जा रहा था, संधि राम में, तो ये शिव सिंह जी मिल गए, और एक अमित लड़का है, उसने कहा नहीं यहाँ पर गदिया में कराओ, तो हम लोग जुटेंगे भाई, सही सहयोग करेंगे। और हमारे प्रधान जी से तो पूर्व परिचित हैं, कई बार से बात चल रही थी कि भागवत हो मगर कुछ ऐसा संयोग बनता रहा, टलता रहा, मगर प्रभु की जब इच्छा हुई तो कार्यक्रम पूरा संपन्न हो गया है। आज आप लोगों की ये मेहनत है कि आप लोग शक्ति कलश के रूप में महाशक्ति हैं, क्योंकि नारी से ही कलश यात्रा शुरू होती है, नारी ही हमारी समाज की धुरी है, और नारी ही हमारा मेन फैक्टर है। आप अगर एक बार प्रेम से बोल देंगे, बोलो यज्ञ भगवान की धर्म की धर्म की, बोलो जोर से, बिल्कुल नहीं, यहाँ भगवान का कार्य है, सब ईश्वर का कार्य है। धर्म की धर्म की, अधर्म का अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की, अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के, जैन जहाँ से बहुत प्यारा 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 देश की रक्षा कौन करेगा? जागेगी भाई जागेगी, जागेगी भाई जागेगी, क्या नारी का सम्मान नहीं, क्या नारी का सम्मान नहीं? 21वीं सदी साधन 2012 बड़ा खराब समय है साल में, ये एक तरीके सा बीमा हो रहा है। अभी श्याम साधु जी आपको इसी बार बता देंगे कि आनंद आ जाएगा कि आपका 5 साल का बीमा हो रहा है, कि इस गांव ग्राम सभा में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटेगी, क्योंकि यज्ञ से पर्जन्य बनता है, यज्ञ से पानी बरसता है, यज्ञ से अनाज पैदा होता है, जो जड़ी बूटियों द्वारा आहुतियाँ डाली जाती हैं उनसे पर्यावरण संतुलन सही होता है। आज हमारे ओजोन पर में छेद हो गया, उसका कारण यही है कि यज्ञ होना बंद हो गया हमारे यहाँ का समाज में। आज हमारा ही संस्कृति इतनी पिछड़ी हुई है, आज कम से कम 5,000-4,000 आबादी ग्राम सभा में है, और सब जगह न्योता गया होगा हमारे ख्याल से, और मतलब 2% भी आदमी यहाँ पर इस समय यात्रा में मौजूद नहीं है। इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है, इस बात का दुख है कि क्यों सो रहे हो? अरे सो रहे हो, अभी भी जग जाओ, आज पहला दिन है, चलो कोई बात नहीं ना, शाम को श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो जाएगी, और कल यज्ञ शुरू हो जाएगा, सुबह यज्ञ शुरू हो जाएगा 7 बजे से। मतलब आप लोग समय का ध्यान दें, सुबह जितनी जल्दी आ जाएंगे सुबह उतनी जल्दी हो जाएगा, 9 बजे तक खत्म हो जाएगा, धूप में आप लोग घर चले जाएं, खाना पीना खा जाए, फिर शाम को 7 बजे आप यहाँ खड़े हो के बताते रहो यार, बात करते रहे, काम चलता रहे।
बात भी सुन हमारी समझते रहे और ये सभी के सहयोग से सभी के अंशदान से सारा कार्य हमारी गुरु प्रसाद जी हैं। ऐसे से ऊपर को उठाते जाओ धीरे धीरे, ये एक ऊपर समाज के सहयोग से सारा कार्य हो रहा है। और अभी बहुत सी पूर्वा भाई की महिलाएं नहीं आई, सब पता नहीं किसको क्या कहा गया, कैसे कहा गया। अरे 7 बजे समय दिया गया, 9:30 बज रहा होगा, 9:30 बज रहा होगा कम से कम। है धूप हो रही है, प्रभु की माया है, कैसे काम चलेगा बताइए। हमारे बीच में इतनी दूर से श्याम साधु जी आ गए, महामानव जी होता है सारे विश्व का कल्याण, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते भगवान, यज्ञ से चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। डबली लाग रख लिए हो तो भैया डबली हुआ धरे कौन दिन के लिए। बोलिए भगवान की जय, गायत्री माता की जय। हम चाहेंगे आसन ग्रहण करें, बस 2 मिनट समझे अपनी बात कह दें। देखिए इस मामले में बेटा जब कोई बोलने लगे तो उसकी तरफ दिखाया करो, यही तो ट्रेनिंग देनी है तुमको, वो कैमरा बने बना दिया जाए हमारी कंपनी में। आप बोलो हम एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इस मामले में आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा टीवी जो है घर घर टीवी इतना विनाश पैदा कर रहा है, जानकारी तो देता है लेकिन विनाश पैदा कर रहा है, गांव गांव में टीवी, घर घर में टीवी, अब पुड़िया और वही DVD ब्लॉकियाँ देख। हमारा कहने का मतलब है कि ये जो बाबा मुरारी दास और जितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आप लोग जो सहयोग दे रही हैं, इस काम को राक्षसों ने भी किया था। ये जो यज्ञ है, कलश यात्रा है, हवन है, ये राक्षसों ने भी किया था। तो ये मान के चलिए कि ये आप लोगों का जैसे बीमा होता है, ये बीमा हो रहा है आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, कि इसमें हर परिवार के लोग, क्योंकि देखिए सबके मन में अहिरावण बैठा हुआ है, राम जो है भगवान राम रावण को ही मार पाए थे, अहिरावण भाग गया था कहाँ, पातालपुरी, उस समय की पातालपुरी और आज का अमेरिका, पूरी दुनिया में अहिरावण सबके मन में बैठा है। इसीलिए कथा भागवत यज्ञ से लोगों में बड़ी अरुचि है, जबरदस्ती बुलाने से आते हैं, कहने से आते हैं, क्यों, अहिरावण सबके अंदर व्याप्त है। बाबा मुरारी जो है इस जनपद में नहीं बल्कि कई जनपद में ये आदमी ये काम कर रहा है कि लोगों को जगा रहा है, दौड़ रहा है, धूप रहा है। एक चेला भी तैयार किया डॉक्टर श्याम बाबा, ये अपने इलाके में दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, और इनका सहयोग जो है हमारे आचार्य जी दे रहे हैं, ठीक। और बाकी अखबार के लाइन में, प्रचार के लाइन में, या कुछ नई बातें बताने के लिए इन्होंने हमको भी जोड़ा है। हम आएंगे इसी कथा के बीच में, आप लोगों को कुछ अपनी बात बताएंगे जिससे आपका तुरंत काम बन जाएगा, तुरंत काम बनेगा उसी समय। और एक मानवता नाम का मंदिर, यहाँ एक मझलहा गांव है फुर्सतगंज के उधर, कहाँ कोठई उठई कौन गांव है, बड़ा मझलहा एक गांव है बेतौरा कोठई के बगल में, वहाँ के राम सिंह जी आए हुए हैं, पूरे जनपद में नहीं 2-4 जनपद में अगर राम सिंह का जोड़ा धर्म के मामले में हमें कोई दिखावे, हम ज्यादा नहीं 2 लाख रुपया उसको इनाम दे देंगे। इतना धर्म के पीछे वो आदमी पागल है, उन बातों को हम फिर बताएंगे। लगा लो ये मान के चलिए कि राम सिंह जो है वो राम ही है, और कहीं कहीं वो रावण भी है, किसके लिए, जो गलत काम करता है उनसे झूठ बोलेगा, गद्दारी करेगा, उसके लिए वो रावण है। तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ ने भी त्रिशूल रखा, भोले और भाले, एक तरफ भोले भी हैं और एक तरफ भाले भी रखते हैं बगल में, है ना। भोले भाले का मतलब यही हुआ, एक नई चीज आज आप लोगों को मिल गई ना, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि भोले और भाले का क्या मतलब होता है। इसी तरीके से आप लोगों का उत्साह खूब मन लगाइए, क्यों, वक्त बहुत बुरा रहा, कब कहाँ क्या हो जाए, कब भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही यज्ञ
यही कलश और ये जो यहाँ भागवत कथा होगी ये पूरे क्षेत्र का बीमा हो जाएगा। 5 साल के लिए मैं चापा सकता। दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ अगर हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, भागवत की कथा सुनी गई है तो 5 साल के अंदर कोई बड़ी घटना अगर इस जवार में घटे तो मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, रायबली में हूँ। ठीक, जैसे रावण नहीं फूंका जाता है वैसे हमको बुला के बांध के पेड़ में और फूंक दीजिए। हम वो बाबा जो हमारा मानवता नाम का मंदिर बनेगा वो दुनिया में अभी तक ऐसा मंदिर नहीं बना होगा, उसमें कोई देवी देवता नहीं होंगे, उसमें कोई नहीं होगा, केवल विचार हमारे अनुभव लिखे जाएंगे और उनको अगर पढ़ के आप अमल कीजिएगा तो 5 मिनट के अंदर आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। भाई डॉक्टर अगर आपको दवा दे रहा है दवा खाइएगा तभी आपको पता लगेगा। तो अब हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हम अयोध्यापुरी में खड़े हैं। क्यों महाराज जी, और ये सारा श्रेय आपको जाता है। महाराज जी कितनी सुंदर बात। अरे कौन आदमी, कौन यहाँ लोग बड़ा बड़ा पैसा फूंक देते हैं, डॉक्टर को 50,000 दे देते हैं। देहातों में वकील को डॉक्टर को खिलाने देने का नशा है। बात बात में झगड़ा कर लेंगे और डॉक्टर वकील डॉक्टर वकील। अरे बाबा ये काम करो ना, यहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना वकील की जरूरत पड़ेगी। तो हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की। आइए हमारे बीच में आचार्य नरेंद्र देव जी के माध्यम से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। अपनी तक पीछे बढ़ाते यहाँ पाती जा उधर दया। हाँ दया सर तू जाओ लाइन से जान दे, लाइन से जान दे। लघु रूप में सही और लघु रूप में बृहत रूप बनेगा जहाँ हम लोग पूछेंगे यहाँ की जो ये गांव और ये बच्चियाँ महिलाएं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जब इसकी सीढ़ी लोग देखेंगे तो इनका उत्साह बढ़ेगा और हम यहाँ के क्यों ये मुरारी जी यहाँ के ग्राम प्रधान जी के भी बधाई के पास। अरे बधाई की बात नहीं, महा बधाई की बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। यादव हैं सब। अच्छा भाई आप बताए सब ये ध्वंसी हमारा लोग ये रामे सिंह छत्कीन के लाज रखे हैं। ठाकुर यादव गोपाल ये लोग हैं हमारी ढाल। बहुत सुंदर भाई, अच्छी बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख करके। ये गुरु जी कत्ते रहे जो होगा जा दो कत्ते के चक्कर मत पड़ो। हाँ जितने जाए जितने का पहुँच सके उतना पहुँचा एक कलश पीछे दे दो पत्ती डाल दे ये लड़के एक कलश पीछे दे आओ लेना लेगा एक हफ्ता बहुत नियम संयम से रहना है। कलश लेने वालों ध्यान रखिए एक सप्ताह आपको बड़े नियम संयम से रहना है। सुबह यज्ञ में आना है, आराम से सुनना है, हवन करना है, सबको हवन करना है। ठीक है कोई ऐसा नहीं यहाँ वो हवन नहीं करेंगे, सब लोग हवन करेंगे। सुबह 9 बजे हवन खत्म हो जाएगा, जितनी जल्दी आप लोग आ जाएंगे। आप लोगों से यज्ञ का शुभारंभ है बस। ठीक आप लोग आएँ और अपने को 5 आदमी कौन लेके आए बताएँ कि भैया वहाँ भागकर चल रहे आप लोग एक मतलब यज्ञ के आधार हैं। गायत्री माता की जय। अच्छा जी दो शब्द कर बोले नहीं नहीं अब हम करेंगे तो चलने दो ये तो बोल देंगे जो हम बोलेंगे। हां हां
हिलाओ ना, हिलाओ ना, बिल्कुल जरा सुन ना, हिलाओ का सीधा ले जाओ, सीधा ले जाओ, ऊपर करो, ऐसे करो साइड में, तुमका कैमरा चलाना नहीं मालूम, रहो साइड फोटो मांगते हैं, फोटो लेंगे, अच्छा इतने अगड़म बगड़म खींचो उसको नापास कर देते हैं, कोई पता नहीं मानवता का मंदिर वहीं बन रहा है, अरे उसके बगल वाली जो प्लाट है जो मोड़ है वो वहीं पर देखो देखे पास पढ़ाई न हो पर रख लिए पीछे दे पीछे
वही कम है ना। Yeah.